हेलो बच्चों, एक बहुत शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अपन मेंस और नीट दोनों के पेपर में मिलेगा अपने को। कोई भी चैप्टर लें, कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन जरूर मिलेगा उसके अंदर। और मैंने ऑक्सीडेशन के दो पार्ट बनाए थे, दो वीडियो बहुत पहले बनाए थे, वो आपने देखे हैं, उनसे ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस आपने सीखी हैं। आज मैं रिडक्शन रिएक्शंस पे काम करूँगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस और अपन सब 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि मेरे को एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या मिलेगा और मुझे आंसर कैसे बनाना है, मेन बात ये है। मैं आप लोगों को कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिखा रहा हूँ, मैं रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा हूँ और उनके फंक्शनिंग बता रहा हूँ, और वो आपने याद कर ली तो क्वेश्चन अपने आप होने लगता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि रिडक्शन के भी अपन एक या दो पार्ट, एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाता है तो अपन पार्ट में इसको पढ़ें। तो आज मैं पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट बताऊँगा और उनके रोल, उनकी फंक्शनिंग बताऊँगा और किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है ये बताऊँगा। तो एक क्वेश्चन जो जनरली पेपर में ज़्यादा मिलता है हमें, और वो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन है। हमें हर फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन पढ़ना है, तो मैं क्यों ना रिड्यूसिंग एजेंट लेकर काम करूं ताकि सारे चैप्टर कवर हो जाएं। तो मैं डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट लेकर उनके रोल और उनकी फंक्शनिंग बताऊंगा और फिर मैं उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करूंगा और बातें सही होने लगेंगी। देखते जाएं, मैं सबसे पहले जो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है उसकी बात करना चाहता हूँ, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बार हमें इस सब्जेक्ट में किसी एरो के ऊपर निकल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, ऐसा हमें कई बार लिखा हुआ मिलता है। साथ में हाइड्रोजन गैस लिखी हुई मिलेगी और हम सब जानते हैं कि इन मेटल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है। सरफेस में अपन ने पढ़ा है इन बातों को, एडजॉर्प्शन फिनोमेना है। लेकिन मेन बात इनका काम है रिडक्शन करना। अब कैसे करना, किस तरह से करना, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, समझते जाना बच्चों। मैंने मान लो एल्कीन लिखा और मुझे इसके आगे एरो पे निकल लिखा हुआ मिला। आप देखिए पर्टिकुलर टेम्परेचर भी लिखा हुआ मिलता है, मान लो 250 डिग्री सेल्सियस, कुछ किताबों में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ मिलेगा। मेन बात है निकल का काम क्या है ये आपको आना चाहिए। जिन रिएक्शंस के टेम्परेचर मेमोराइज करने होते हैं वो 5-7 हैं, वही याद करनी होती है। जनरली हर रिएक्शन के अपन टेम्परेचर याद नहीं कर पाएंगे। मैं तरीका जो बता रहा हूँ उसको सीखना, मेरा काम है हाइड्रोजन जोड़ना। कैसे जोड़ना, जो पाई बॉन्ड है उसको गायब कर दें, जिन एटम्स के पीछे पाई बॉन्ड है उसको गायब करके उन्हीं कार्बनों पर हाइड्रोजन लगा दें। तो मैंने इन कार्बनों के पाई बॉन्ड को जब गायब किया तो इनकी वैलेंसी कम हो गई, तो मैंने एक एक हाइड्रोजन लगा दी, ये मेरा आंसर हो गया। कोई भी एल्काइन मिल गई, जरूरी नहीं ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मिल गई, मान लो सेम रिएजेंट मुझे मिल गया, मेरा काम है सारे पाई बॉन्ड गायब करके आंसर बनाना। जब मैंने पाई बॉन्ड गायब किया तो मैंने इन कार्बनों की वैलेंसी जिनके पीछे पाई बॉन्ड था चार चार कर दी, मतलब हाइड्रोजन जोड़ दी, ये मेरा आंसर है। ये दोनों रिएक्शंस जो है ना निकल की प्रेजेंस में सबाते सेंडरेंस रिएक्शन या रिडक्शन कहलाती हैं। पैलेडियम प्लेटिनम लोगे तब भी यही आंसर बनेगा, लेकिन तब ये नाम नहीं रहेगा। ये लो, मान लो मुझे एल्डिहाइड मिल गया, उसके आगे निकल लिखा हुआ मिल रहा है, मुझे कीटोन मिल गया, उसके आगे निकल लिखा हुआ मिल रहा है, मुझे साइनाइड मिल गया, उसके आगे निकल लिखा हुआ मिल रहा है। किसी रिएक्शन का आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पॉइंट अप्लाई करें, सिस्टमेटिक वे से करें, आपको आंसर मिलेंगे। पाई बॉन्ड गायब कर दो बस, और जिन एटम्स की जो पाई बॉन्ड था उन्हीं एटम पे हाइड्रोजन जोड़कर वैलेंसी कंप्लीट कर दें। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बार बार मैं यहाँ हाइड्रोजन जोड़ के रिडक्शन कर रहा हूं, क्योंकि अपन ने ऐसा पढ़ रखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैं हाइड्रोजन जोड़ के रिडक्शन कर रहा हूँ, नॉट हाइड्रोजन हटाकर भी मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ। हाइड्रोजन हटाकर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जबकि जोड़कर हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन जोड़कर भी रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार हाइड्रोजन जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये लीजिए, मैंने पाई बॉन्ड गायब किया, जब पाई बॉन्ड गायब किया तो मैंने इन पे एक एक हाइड्रोजन लगा दिए, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। ये लीजिए मेरे पास ये आंसर बन गया, 2 पाई बॉन्ड हैं, सारे पाई बॉन्ड गायब कर दो, येलो प्राइमरी अमीन बन गया। कितना आसान है, कितना आसान है। इन रिएक्शंस को याद मत करें, ये प्रोडक्ट्स याद मत करें, मेरे पॉइंट ध्यान रखें। अब देखो ये पांचों के पांचों चैप्टर अपने सिलेबस में, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने सिलेबस में, एल्केन का प्रिपरेशन हो गया, एल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, अमीन का प्रिपरेशन हो गया। बहुत आसान मामला है यदि इसको आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, अदरवाइज तो पजल है।
अदरवाइज हम रिएक्शन रटेंगे, एक एक प्रोडक्ट को याद करेंगे, थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। आप मेरी बातों को इसी तरह से सीख लें। अब मैं क्या करता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात पे आता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे एसिड एस्टर, एनहाइड्राइड और एमाइड एंड इट्स डेरिवेटिव, एक्सेप्ट लिख रहा हूं एसिड क्लोराइड, एक्सेप्ट RCOCl एसिड हैलाइड। तो एसिड उसके जो तीन डेरिवेटिव बच गए उनको निकल रिड्यूस नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे सामने मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, निकल आ गया, मेरा आंसर है नो रिएक्शन। इन बातों पे प्रॉब्लम आई भी मिलेगी, मुझे एमाइड मिल गया और मुझे यही रिएजेंट मिल गया, मेरा आंसर यही है। तो ये पॉइंट सीख लें, आपके दिमाग में होना चाहिए। निकल जब भी आए आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। एक छोटी सी बात और सिखाता हूं। बेंजीनॉइड कंपाउंड में जो बेंजीन रिंग है, मान लीजिए बेंजीन रिंग के आगे निकल लिखा हुआ है, फिर मेरा आंसर है नो रिएक्शन। इतनी स्टेबल रिंग को रिड्यूस नहीं कर पाया, लेकिन इस निकल के आगे एरो पर, निकल के साथ एरो पर हाई टेम्परेचर, मान लो मैंने 250 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, किताबों में 300 डिग्री भी सेल्सियस लिखा हुआ है, और हाई प्रेशर लिख दिया, तब आप इसके पाई बॉन्ड को गायब करके आंसर बना दें। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये कंडीशन बन गई है, या बेंजीन रिंग को रिड्यूस करने की कंडीशन बन गई है कि आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। मान लीजिए फिनॉल के आगे मुझे निकल लिखा हुआ मिला, मेरा आंसर, मैं फिर बोल रहा हूं नो रिएक्शन, लेकिन इसी फिनॉल के आगे निकल है और मैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई बताना चाहता हूं, आप साइक्लोहेक्सेनॉल बना दें, ये मेरा आंसर है। मेरे ख्याल में निकल का लिटरेचर समझ में आ गया हो। पैलेडियम प्लेटिनम होते तब भी यही काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने सारे चैप्टर कवर हो गए अपने। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, जो पैलेडियम चारकोल है, एक सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन भी होता है। पैलेडियम चारकोल सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन शो करता है। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो परीक्षा में कई बार आ चुका है, समझना इस बात को ढंग से सीखना। जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, मैं क्वेश्चन लेकर बात कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन ये मिल गया और इसके आगे एरो पे निकल लिखा हुआ है, और एक बार मान लीजिए पैलेडियम चारकोल लिखा हुआ, इसको पैलेडियम चारकोल प्रोनाउन करना है। इसका काम है कि हर फंक्शन ग्रुप जहां पाई बॉन्ड है उसको रिड्यूस करना। ये लीजिए मैंने अपना काम कर दिया, डबल बॉन्ड भी गायब कर दिया इसने और कार्बोनिल ग्रुप को भी इसने एल्कोहल में रिड्यूस कर दिया, मतलब साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया है। लेकिन इसका काम एक बहुत जबरदस्त है, ध्यान रहे, मैं इस पाई बॉन्ड को गायब कर देता हूं एक बार और इस एरो की कंडीशन को यूज लूं तो ये इस को एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। लेकिन यदि मल्टी फंक्शन ग्रुप्स हैं फॉर्मूले के अंदर और पैलेडियम चारकोल एरो पे दिया हुआ है, तो फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब ओलिफिन बॉन्ड को रिड्यूस करना पसंद करते हैं। इस केस में आंसर मेरा ये रहेगा, सिर्फ इसने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया है, इसको हम सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे, मतलब इसने सेलेक्टिविटी शो की है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस किया, जबकि निकल जो है सेलेक्टिविटी शो नहीं कर रहा। ये एक सुपर एग्जाम्पल है जो एग्जाम में कई कई बार रिपीट हो चुका है, आपको आना चाहिए। तो मैंने कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन बताया बच्चों आपको, जिसमें मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, जिनमें से कोई एग्जाम्पल याद नहीं करना, ये मेरी बात ध्यान रखना। पैलेडियम चारकोल क्या करता है, सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन शो करता है। अब मैं एक बहुत उस बात पे आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं जो पेपर में अक्सर नजर आती है, और ये जो सितंबर का महीना जिसमें मेंस और एडवांस और नीट का एग्जाम होने वाला है, तो मानकर चले इस सितंबर के महीने में ये रिएक्शन कई पेपर्स में नजर आने वाली है। मैं एल्काइनों का कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन बताना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले इसी जगह एल्काइन पे मैंने निकल की रिएक्शन करा के एल्केन बना दी थी। मैं चाहता हूं कि एक ही पाई बॉन्ड गायब हो, मैं चाहता हूं कि एल्काइन का मैं हाइड्रोजिनेशन एल्कीन में कर पाऊं, मैं एल्कीन पे रिएक्शन रोकना चाहता हूं, मुझे रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और एल्काइनों के दो तरह के कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन है, और जिनको अपन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन के अंडर में भी पढ़ते हैं, तो ढंग से समझना। मैं उन दोनों एग्जाम्पल्स को ले रहा हूं। मैं एल्काइन का
कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन लेना चाहता हूं, और दो बातें हैं, दोनों बातें ढंग से सीख लें, ढंग से समझ लें। मुझे कोई भी एल्काइन मिली, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, और दो तरह की बातें हैं, मैंने एरो पे पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट लिखा, या करके मैं एरो पे पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट लिख रहा हूं, या करके मैं पैलेडियम के साथ चारकोल लिख रहा हूं। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है 11th की बुक के अंदर, पैलेडियम के साथ चारकोल, ध्यान रखना पेपर में ये लिखा हुआ जाएगा। या मैं प्लेटिनम का ऑक्साइड लेना चाहता हूं, और या मैं निकल बोराइड ले रहा हूं। इन चारों पांचों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिले, जनरली ये या ये हो सकती है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है इसलिए पेपर में ये भी हो सकता है। ध्यान रहे आप इस केस में एल्कीन बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे सिस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। हमें रिएक्शन में हमेशा मेजर ही बताना होता है, तो सिस एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में बनती है। लेकिन जैसे ही मैं कंडीशन चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने इथाइल एल्कोहल के साथ सोडियम लिख दिया, या करके लिख रहा हूं लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम लिख दिया, ये रिएजेंट यदि एरो पर हैं, तो आप एल्कीन ही बनाएंगे, लेकिन इस बार ट्रांस एल्कीन बनाएंगे। ध्यान दें, ट्रांस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा मानकर चले, इस बात को याद कर लें बच्चों, ये आपके पेपर में आएगी। इन दो में से कोई एक रिएक्शन एग्जाम में आएगी, आपको एक्यूरेटली याद होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट सिस और कौन सा ट्रांस एल्कीन प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने मेजर लिखा, इसका मतलब माइनर प्रोडक्ट के रूप में तो कुछ बनता होगा। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर बनने की संभावना हो, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बन रहा हो, हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रहे ये दो अच्छे एग्जाम्पल हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन के, मेरी ये बात पकड़ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं कि एथिल एल्कोहल और सोडियम वाली जो बात है, या ये दोनों रिएजेंट जो मैंने लिखे हैं, इन दोनों बातों को ध्यान रखें, इन दोनों केसेस में मुझे ट्रांस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिली है। नो डाउट हर रिएक्शन की मैकेनिज्म है, उस पर अपन जाएंगे, उससे आंसर निकलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक कंक्रीट रिजल्ट डायरेक्ट याद रखें। लिक्विड अमोनिया और सोडियम की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को अपन बर्च रिडक्शन बोलते हैं, और पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का जो पेयर है वो लिंडलार कैटलिस्ट कहलाता है। और पहले दो एग्जांपल्स में जो मैंने बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट लिखे, इन दोनों का काम कैटलिटिक पॉइजन है यहाँ, जो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि वो फर्दर हाइड्रोजनेशन ना कर पाए। ये दो सुपर्ब एग्जाम्पल थे एल्काइन के हाइड्रोजनेशन के। तो मैंने आपको कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन में मेटल डायरेक्ट लेके बता दिया, और साथ में कैटलिटिक पॉइजन लेके बता दिया। एक तरह से ये अपना एल्कीन एल्काइनों का हाइड्रोजनेशन, और साथ में मैंने इसमें एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग को भी कवर किया है, मेरी ये बात पकड़ में आ गई हो। मैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट पे आ रहा हूँ, जो बहुत कॉमन है, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स मुझे किताबों में मिलेगी। मैं बात करना चाहता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड की। मैं इसको शॉर्टकट में SBH लिखूंगा एरो के ऊपर। बच्चों पता नहीं हर प्रैक्टिस किताब में कितनी सारी प्रॉब्लम इस पर है। ध्यान रहे इसका काम हर किसी फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस नहीं करना है, ये केवल एल्डिहाइड एसिड क्लोराइड इन दो फंक्शन ग्रुप को तो 1° अल्कोहल में रिड्यूस करता है, कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस करता है, और एल्काइल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस करता है। बच्चों इतना सा लिटरेचर है, इस बात को याद करो, ये बात मेमोराइज हो रही है। नेकी एग्जांपल्स याद करने, नेकी रिएक्शंस याद करने, ये लिटरेचर याद करना है। सिर्फ इन चार फंक्शन ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा, इसके अलावा किसी भी फंक्शन ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं, सीखना कैसे क्वेश्चन आएगा, समझना सारी बात सीखना। ये लो, मुझे लिटरेचर याद होगा तभी मैं आंसर बना पाऊंगा, अदरवाइज आंसर नहीं बनने वाला। मुझे प्रॉब्लम इतनी सी मिलेगी, और मुझे एरो पे NaBH4 मिलेगा, और साथ में
कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट मान लीजिए वाटर या अल्कोहल कुछ भी लिखा हुआ होगा, मेरा काम वही है पाई बॉन्ड गायब करके आप अपना आंसर बना दें 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। मान लीजिए कोई भी कीटोन मिल गया, सेम कंडीशन मिल रही है मुझे एरो पर, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया। मान लीजिए एसिड क्लोराइड मिल गया और मैंने सेम कंडीशन लिख दी, मेरा वो 3 कीज वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने तकरीबन 2 महीने पहले बनाया है। आज मैं फिर एक बात बोलने जा रहा हूं, ना मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब इससे मुझे H- मतलब हाइड्राइड आयन मिल रहा है। तो बच्चों मैं बोलना चाहता हूं मेरे पास H- आ रहा है, H- का मतलब एनायन आ रहा है। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई एनायन अटैक करने आता है और यदि मेरे रिएक्टेंट में सोनिक सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ हो तो उसको हटा दिया करें। उसको हटा दिया मैंने और वहां हाइड्रोजन जोड़ दिया तो पहले एल्डिहाइड बन गया। अब मैं कहूंगा एल्डिहाइड का रिडक्शन में पता है किसमें होता है, 1 डिग्री अल्कोहल में, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से फिर अटैक करेगा और मैं बोलूंगा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो एसिड हैलाइड से भी प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये लो एल्किल हैलाइड के आगे मैंने जब SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा, इससे मुझसे क्या मिल रहा है, इससे H- X- हटेगा और H- जुड़ेगा, RH एल्केन बन गई। मेरी ये बात पकड़ में आ गई होगी। इन 4 फंक्शन ग्रुप के अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड किसी को रिड्यूस नहीं करता। अब क्वेश्चन देखना किस तरह से मिलेगा। मुझे प्रॉब्लम ये मिल सकती है, मुझे एरो पे सोडियम बोरोहाइड्राइड और वाटर लिखा हुआ मिलेगा, मुझे एरो पे सोडियम बोरोहाइड्राइड और D2O लिखा हुआ मिलेगा, मुझे सोडियम बोरोहाइड्राइड में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हो गया और यहाँ भी D2O मिल जाएगा, और मुझे यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड में ड्यूटेरियम मिल गया और यहाँ मुझे वाटर मिल जाएगा और वो मुझे ABCD आंसर पूछ लेगा। मैं इसका इलाज कर रहा हूँ बच्चों, ढंग से समझना। शॉर्टकट में एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये लीजिए इस एल्डिहाइड पे सोडियम बोरोहाइड्राइड से मिलने वाले H- ने अटैक किया। चूंकि एनायन अटैक करने आ रहा है तो 3 ही बातें पॉसिबल हैं, पहले एसिड बेस जो पॉसिबल नहीं है, सोनिक सिंगल बॉन्ड से नहीं लगा हुआ, तो फिर अपना तीसरा पॉइंट लगाओ जो मैंने 3 कीज वाले वीडियो में बताया था। ये लीजिए यहां अटैक हो गया, ये लो। अब जो सेकेंड कंडीशन में सॉल्वेंट के लिखता हूं, वो सॉल्वेंट लिखा मैंने, उससे एसिड बेस रिएक्शन हुआ और जो अपन आंसर डायरेक्ट बना रहे हैं वो बन गया। जो मैं आंसर डायरेक्ट बनाता हूं वो इस तरह से बनता है। ये छोटी सी मैंने मैकेनिज्म लिखी है। इस मैकेनिज्म की समरी क्या है कि मुझे ये H- कहां से मिला, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और ये H+ कहां से मिला मुझे, वाटर से। कहने का मतलब रिएजेंट से जो H- आता है वो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे जुड़ता है, और सॉल्वेंट से जो H+ आता है वो कहां जाके जुड़ता है, कार्बोनिल ग्रुप वाली ऑक्सीजन पे जुड़ता है। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान बन गए, इससे भी हाइड्रोजन आएगा, इससे भी हाइड्रोजन आएगा, तो मेरा आंसर RCH2OH हो गया। इससे हाइड्रोजन आएगा वो तो यहां जुड़ेगा, और इससे ड्यूटेरियम आएगा तो वो यहां जुड़ेगा, तो मेरा आंसर RCH2OD हो गया। इससे ड्यूटेरियम आएगा वो यहां जुड़ेगा, इससे ड्यूटेरियम आएगा वो यहां जुड़ेगा, तो मेरा आंसर RCHDOD हो गया। इससे जो ड्यूटेरियम आएगा वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जाके यहां जुड़ेगा, तो मेरा आंसर RCHDOH हो गया। ये बात भी मुझे आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में सोडियम बोरोहाइड्राइड का लिटरेचर समझ में आ गया हो। मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कवर किया है बच्चों, मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट या हाइड्राइड आयन डोनर जो होते हैं, मैंने हाइड्राइड आयन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट एक सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है। मेरे ख्याल में ये पार्ट फर्स्ट अपन यहाँ रोकना चाहते हैं, अगले वीडियो में पार्ट सेकंड लेके आऊँगा मैं रिडक्शन का, जिसमें और इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड DiBelH लेकर आएंगे, अपन क्लीमेंशन रिडक्शन की बात करेंगे, WK मतलब वुल्फ किस्नर की बात करेंगे, रोजनमुंड रिडक्शन की बात करेंगे, नाइट्रो एल्केन्स के रिडक्शन की बात करेंगे। तो रिडक्शन का जो पूरा ये सीरीज है ये पूरे सिलेबस के डिफरेंट रिडक्शन को कवर कर लेगा, और ये बात 100% है कि आपके एग्जाम में रिडक्शन पे प्रॉब्लम जरूर आनी है। इसको सीखें, इसके लिटरेचर को याद करें, कंक्रीट रिजल्ट दिमाग में बिठाएं, क्वेश्चन अपने हाथ से निकाल के देखें, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत कम समय है परीक्षाओं के लिए, कॉन्फिडेंट होकर अपने रिवीजन को बढ़ाएं, बार बार रिवाइज करें। और मेरे जो वीडियो थे ये रिवीजन पैकेज ही थे बच्चों, ऐसा नहीं है कि अपन ऐसे शॉर्टकट में ही पढ़ते रहते हैं, जो लॉन्ग ईयर क्लासेज होती हैं उनके अंदर अपन डिटेल में पढ़ते हैं, विद मैकेनिज्म पढ़ते हैं। लेकिन एक बात तय है कि एग्जामिनेशन हॉल में तो ये रिजल्ट ही काम आते हैं,
और इन्हीं से हमारा आंसर बनता है, विद इन सेकेंड्स बनता है। तो मेरे सारे वीडियो आपका रिवीजन पैकेज है, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसका वीडियो आप रिकॉल करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।